अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं जो मेरे पास सबसे छोटा साइज़ कैनवास का था, 6x6 का, आज मैं उसके ऊपर पेंटिंग करने जा रही हूँ। वैसे तो कैनवास के ऊपर वाइट कलर का पेंट होता है, पर इसके ऊपर इन्होंने कोई हिसाब किताब किया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया इसके ऊपर वाइट कलर। तो वाइट कलर अप्लाई करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर ब्लू करूँगी, एक छोटी सी सीनरी बनाऊँगी, सनफ्लावर बनाऊँगी। और यहाँ पर मेरी लाइट चली गई थी, तो इसके लिए फिर मैंने इसको स्किप कर दिया था। तो अब मैं आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी, बीच में थोड़ा सा जो था वो लाइट थोड़ी कम थी उसमें। तो अब ये मैं डार्क ब्राउन कर रही हूँ, ब्राउन में मैंने ब्लैक मिला दिया। तो मैं हर कलर अपने पास नहीं लेकर रखती, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है इतने ज़्यादा कलेक्शन इकट्ठी करने का। तो कुछ कलर क्योंकि बहुत कम यूज़ होते हैं, बड़े बड़े एक्सपायर हो जाते हैं, और वैसे भी इतने महंगे मिलते हैं इसकी ट्यूब जो होती है एक्रेलिक की, तो इसलिए फिर मैं हर कलर नहीं रखती। तो कोशिश करती हूँ मैं बना लूँ हर घर पे खुद ही। तो मैंने सिर्फ एक ब्राउन लिया, तो ब्राउन के शेड अगर मुझे बनाना थे तो उसमें मैं और कलर ऐड कर लेती हूँ। जैसे पहले डार्क किया, उसमें ब्लैक मिला लिया था, फिर उसके बाद थोड़ा कम ब्लैक मिलाया, फिर अब ये जो कलर किया है इसमें थोड़ा सा येलो मिलाया, तो ऐसा कलर आ गया ये। तो ऐसे फिर मैं घर पर ही ट्राई करती हूँ कलर बनाती हूँ, ताकि मैं फिर अपने जो है पेंटिंग पूरी कर सकूं। तो ये मैंने रेड और येलो को मिलाया, तो मेरे पास ऑरेंज कलर मिल गए। ऐसे आप ऑरेंज के मुख्तलिफ शेड बना सकते हैं, रेड ज़्यादा डालेंगे तो डार्क ऑरेंज बन जाएगा, अगर येलो ज़्यादा डालेंगे तो लाइट बनेगा। तो ऐसे फिर आप लोग घर पर ट्राई किया करें, मैंने एक वीडियो डाली भी है, आप जाके चेक करें कि कलर कैसे बनते हैं। आप लोग घर पर ट्राई किया करें, क्योंकि हर कलर अगर हम लेकर घर पे रखेंगे तो वो अक्सर होता है एक्सपायर हो जाते हैं, सूख जाते हैं, इतने महंगे मिलते हैं। तो इसलिए फिर आप लोग कोशिश किया करें कि घर पे ज़्यादा से ज़्यादा कलर बनाएं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बाहर से लाने ना पड़े। दो चार कलर से आपका काम हो जाए, आपकी पूरी सीनरी बन जाए, आपके सारे शेड आ जाए उसमें, हर कलर उसमें आ जाए। तो अब मैं ऊपर फ्लावर कंप्लीट कर रही हूँ अपना। मेरी कोशिश होती है मैं जहाँ पर सूखने वाला होता है काम वो छोड़ के नया काम शुरू करूँ, ताकि नीचे सूखता रहे ऊपर मेरा और काम होता रहे। मैं छोड़ती नहीं हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मेरा फटाफट काम भी हो जाए। तो नीचे जब तक सूख रहा था तब तक मैं ऊपर अपने फ्लावर कंप्लीट करने लग गई। तो आप लोग भी ट्राई किया करें ताकि कम टाइम में ज़्यादा काम हो सके। तो नीचे क्योंकि मोटी लेयर थी, तीन चार कलर हुए थे, तो उसकी वजह से वो थोड़ा टाइम ले रहा था। तो मैंने ड्रायर, अगर आपके पास है तो आप ड्रायर यूज़ कर सकते हैं, पर ड्रायर भी हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, वो जो कलर होता है वो फैलने लग जाता है फिर। तो मेरे नीचे फ्लावर कंप्लीट हो गए, तो ऊपर मैं ये बटरफ्लाई बना रही हूँ। ब्लैक कलर से आउटलाइन दूँगी, इसके बाद फिर मैं ब्लू शेड दूँगी इसमें मुख्तलिफ, सिंपल सी छोटी सी बटरफ्लाई। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा, और कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगती है, मेरा वॉइस ओवर कैसा लगता है, मैं वॉइस ओवर करूँ या ना करूँ, आप लोग लाजमी बताया करें, ताकि मैं आप लोगों की डिमांड पूरी कर सकूँ। मैं कोशिश करूँगी नीचे हर वीडियो के लिंक दूँ, नहीं तो आप मेरे बायो में जाएँ, वहाँ पर इंस्टा का जो लिंक है वो आप जाएँ विज़िट करें मेरा पेज। तो अगर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मैंने नहीं डाली होती तो वहाँ डाली होती हैं, जो वहाँ नहीं होती वो यहाँ होती हैं। तो आप दोनों जगह जाके विज़िट किया करें और बताया करें आप लोगों को कैसी मेरी लगती है आर्ट, वीडियो कैसी लगती है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, परफेक्ट मेरी हर चीज़ नहीं होती, ना ही मैं इसकी आप लोगों को कहती हूँ कि हाँ मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ, इंशाल्लाह मैं करती रहूँगी। आप लोग भी मुझे थोड़ा हौसला अफजाई किया करें मेरी, ताकि मैं इस काम को जो है वो आगे दिल लगा के करूँ और मेरा हाथ तक सेट हो, और आप लोग जो बनवाना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, आप तक वो मेरी वीडियो पहुंचे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूला करें, और सपोर्ट लाजमी किया करें, और एंड तक लाजमी वीडियो देखा करें, ताकि आप लोगों को सारा समझ में आ जाए मैंने कैसे बनाया। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखा करें, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, मौसम चेंज हो रहा है, तो इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।